दोस्तों गुड इवनिंग। आज की हमारी खास दावत ब्लैक चने। टुडे इज सैटरडे, तो इसलिए काले चने तो बनते हैं। वही सेम स्टाइल, एक कौली दाल, 9 से 10 कौली पानी, और अभी इसमें मैं मिक्स करूँगा थोड़ा सा नमक, हल्दी और रेड चिल्ली, और उसके साथ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों देखिए, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, नमक, मिर्च, हल्दी, और फिर दोबारा एक कौली पानी में 8 से 9 कौली, एक कौली सॉरी ब्लैक चने में 8 से 9 कौली पानी। अब ये इसकी विस्लिंग करनी है 20 से 22 मिनट। एज पर माय मॉम इट्स बेस्ट 22, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होती है। तो मिलते हैं एक बड़े ब्रेक के बाद। तो फिर वही बात, शाम वाले काम, हाइजीनिक और बेस्ट सैलेड होना चाहिए, बेस्ट फ्रूट होना चाहिए। और इसमें इस बार आपको नई चीज़ दिखेगी, ककड़ी। मार्केट में ककड़ी आ गई है, लेकिन थोड़ी सी फीकी है, और मूली जाते हुए काफ़ी अच्छी है, मीठी है, और खीरा भी आ गया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया, उसमें थोड़ा टेस्टलेस सा है। हाँ नो डाउट, अभी बीज नहीं है तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो आपको सीजनल फ्रूट सैलेड जरूर खाने चाहिए शाम वाले काम के लिए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारे काले चने, जिसकी खूब विस्लिंग आ रही है, और ये है हमारा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। काले चने जैसे कि मस्टर्ड को तेल को सोख लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये हमारे चॉपर में मसाला तैयार होता हुआ, 4 प्याज, 6 मिर्चें, 3 टमेटोज, थोड़ा सा 3 इंच अदरक और एक कली लहसुन। और ये हमारा पिसता हुआ मसाला, और अब हम इसको जब वो गर्म हो जाएगा मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं 2 मिनट बाद, जब हमारा ये तेल पूरा गर्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा जीरा ऐड करने के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे, फिर नमक, मिर्च, मसाला अपने टेस्ट अनुसार, और टमेटोज। पकाने के बाद जैसे कि ये अपने चने पक रहे हैं, 22 मिनट बाद दोनों को मिक्स करके एक दो विसल लगा देंगे, तड़का लग जाएगा, बहुत ही ग्रेट उम्दा चने बनेंगे। तो दोस्तों अब हमारा तेल हो गया है गरम। जीरे को जलने नहीं देना है, और मीन वाइल हमने इसमें ऐड कर देना है अपना तड़का। चार प्याज, 3 टमाटर, 2 से 3 इंची अपना वो अदरक, और एक कली पूरी। ये हमारा तड़का इस प्रकार बनेगा। और ये हमारा बनेगा अदरक, और इसमें हमारी विस्लिंग हो रही है 22 मिनट के लिए। तो दोस्तों मैं अभी इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर देता हूँ। ये इसमें 1 चम्मच नमक है, और हल्की सी मिर्च है,
और ये देगी मिर्च नहीं है जो कलर के लिए होती है, नॉर्मल मिर्च है। और करक्यूमिन होता है हल्दी में, जैसे मैंने बताया, ये हर बार यूज करना है। और ये बेसिक थिंग्स हैं। गरम मसाला थोड़ी देर बाद डालेंगे, नमक हमने पहले भी उसमें डाला है इसलिए मैंने नमक को थोड़ा कम डाला है। तो अभी ये लो फ्लेम पे ही चल रहा है और इसको हम खूब अच्छी तरह पकाएंगे। वही पुराना डायलॉग कि नो नीड टू ऐड वाटर, पानी नहीं मिलाना, उसको स्टीम पे ही पकाना है। और मैंने स्लो फ्लेम पे और इसको ढक दिया। तो दोस्तों मिलते हैं 5 मिनट बाद जब ये पक जाएगा और हम इसमें टमेटोज ऐड करेंगे। 3 टमेटोज पहले ही चॉप करके रखे हैं, इसमें ऐड करेंगे। 22 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे, तड़का पक जाएगा, दोनों को मिक्स कर। दोस्तों इनको हो गए हैं 22 मिनट, क्लोज कर दिया। और ये है हमारा मसाला, बढ़िया मसाला पकते हुए। थोड़ी सी चिमनी ऑन कर रहा हूँ और ये काफी अच्छा पक गया है स्टीम में, लेकिन अभी इसमें कुछ कसर बाकी है। अगली शिफ्ट में हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा चौहान साहब, हमारे जो गेस्ट हैं, कि देखो इसमें वैसे तो हल्का हल्का इसने घी छोड़ दिया। तो दोस्तों इसको 22 मिनट हो गए, इसको हमने बंद कर दिया। और इधर हमारा देखो कैसे तिड़ 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 कर रहा है, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया और बिल्कुल नहीं जला। और अभी आप देखें चमत्कार कि मसाला हमारा तकरीबन पक गया है। अभी मैं इसमें टोमेटोज ऐड करूंगा, जस्ट वेट, इस पे दिखाएं। तो दोस्तों ये हमारे 3 टोमेटोज मसाले में ऐड हो गए, जिसे हमने फिर दोबारा स्टीम में ही कुक करना है। मसाला पक गया, उसमें उसने घी तेल सब छोड़ दिया, जिसमें कि हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था। दोस्तों मैं आपको एक टिप बताना चाह रहा था कि कुछ लोग सारे मसाले को एक बार में ही करके इकट्ठा रख देते हैं, लेकिन ये एक टिप ये है कि अगर आप अदरक लहसुन प्याज में टोमेटोज ऐड कर देते हो तो वो पकता नहीं है। टोमेटोज को तभी ऐड करना है जब ये सारा पक जाए, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको टेस्टलेस या अनकुक्ड का टेस्ट देगा। तो अभी हमारा मसाला पक गया, उसमें हमने उसमें देखा कि उसने अपना तेल छोड़ दिया। और अभी हम देखेंगे इसमें कि इसको हमने रख दिया और ये स्टीम में ही स्लो फ्लेम पे कुक होगा। इट विल टेक अनदर 5 to 10 मिनट्स। और अगर घर का खाना बनाना है तो इसमें इट टेक्स टाइम, और आपकी लॉयल्टी इसी टाइम और प्यार, इससे आपका प्यार भी छलकता है फॉर योर फैमिली। जस्ट वेट फॉर अनदर 5 10 मिनट्स। तो देखे दोस्तों अब ये इसमें ऐड करने का टाइम आ गया है, काफ़ी बॉयल हो गया है, इसने अपना घी तेल छोड़ दिया है। इधर हमने ये अपना तैयार किया था विस्लिंग के बाद, 22 मिनट के बाद ये भी काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसको मिक्स करूँगा जी। तो दोस्तों ये अभी मैं तड़का इसमें मिक्स कर रहा हूँ।
ये तड़का अब काफी हद तक मिक्स हो गया है, हल्का सा इसमें ये करके और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, अदरक लहसुन प्याज और टमाटर सब पक चुके थे, और उसके बाद इस तड़के को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। और अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए विस्लिंग करेंगे, तो मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाएगा, और फिर हम इसको फाइनल टेस्टिंग के लिए मिलेंगे अपने डियर फ्रेंड मिस्टर सीएल चौहान के साथ। तो मैं इसको अभी क्लोज़ कर रहा हूँ विदाउट विसल, विस्लिंग भी बाद में जोड़ेंगे, जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। दोस्तों आज हमने बनाए चने, फाइनल चने आपके सामने हैं, और अभी हमारे चने पके, तड़का लग गया। अभी हमारे गेस्ट मिस्टर सीएल चौहान इसको फाइनली टेस्ट अप करेंगे और बताएंगे नमक मिर्च कैसा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये है हमारे फाइनली चने, ब्लैक चने, और ये है 2 कौली। एक मिस्टर सीएल चौहान टेस्ट करेंगे, एक मिस्टर एनकेएस टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपको टेस्टिंग के बाद, टेस्टिंग के दौरान। तो दोस्तों ये है हमारे फाइनल गरम गरम ब्लैक चने, और हमारे गेस्ट मिस्टर सीएल चौहान फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड, और टेस्ट करते हुए अब ये अपने आराम से प्यार से अपने बताएंगे। लेट हिम फर्स्ट टेस्ट, नमक मिर्च कैसा है, कम है, कैसा है, मसाला कैसा है। बिल्कुल सही है शर्मा जी, पक्की बात? पक्की बात है और पक्के भी पूरे गए हैं, कोई अधूरा नहीं है इसमें कुछ भी। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, दोबारा इंग्रेडिएंट्स बता दूं, 1 कौली हमारे काले चने, उसमें हमने 8 से 9 कौली हमने डाला है पानी, देन 22 मिनट्स की विस्लिंग, और तड़के के लिए हमने 4 प्याज, 3 टमेटोज, थोड़े से 3 इंच का अदरक, 1 पूरी कली लहसुन की। और अगर ये गर्मियों में बना रहे हो तो थोड़ा सा लहसुन कम कर देना एज पर वेदर, क्योंकि लहसुन काफ़ी गर्म है। और नमक मिर्च आप मसाला, गरम मसाला और सूखा धनिया और ग्रीन चिलीज एज पर योर टेस्ट यू कैन ऐड अप। तो चौहान साहब फाइनल बताएं कैसा है? बिल्कुल परफेक्ट है सर, नमक मिर्च मसाला और चने पके हुए भी। अच्छा जी, कुछ कच्चा पानी या किसी नहीं चीज का तो नहीं आ रहा? बिल्कुल बहुत परफेक्ट टेस्ट है चलो अब देखते हैं जी। एनकेएस की कटोरी की तरफ भी। तो ये एक फाइनल आउटलुक आई है, इसकी एक मैं फोटो खींच लेता हूँ जो कि हमारे थंबनेल में भी काम आएगी, और वी विल वेट फॉर जानवी जी। तो दोस्तों अब हमारे काले चने पक गए हैं, मसाला पक गया, तड़का हो गया। नाउ आफ्टर मिस्टर चौहान अवर गेस्ट, तो मिस्टर एन के एस माई सेल्फ इज गोइंग टू टेस्ट इट। इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि फाइनली दिखाया जाए, हल्का सा। देखो ऑयल इसमें छोड़ दिया है, हर चीज़ छोड़ दी है, इसका एक साइन होता है कि ये पक चुके हैं। और नमक मिर्च भी जैसे चौहान साहब ने बताया परफेक्ट है। लेट मी ऑल्सो टेस्ट। वाह, वेरी नाइस, सच में नमक मिर्च काफी अच्छा बैलेंस्ड है।
ना देखो हल्की सी हरी मिर्च दिख रही है आपको, तो हरी मिर्च अपना एक टेस्ट और ब्लेंड देगी। वेरी नाइस। तो दोस्तों आज हमारी टेस्टिंग और काले चने बहुत ही सक्सेसफुल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू अवर गॉड और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। वेरी नाइस। प्लीज डेवलप योर लव टूवर्ड्स योर फैमिली। दिस इज माय ओनली मैसेज। और इसको प्यार से बनाए, चेरिश करें और एंजॉय। वेरी नाइस। थैंकफुल टू यू ऑल। जय माता दी।